नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़कर हुए 4,421। भारत ने हटाया हाइड्रोक्लोरोक्विन पर लगा बैन। ट्रंप ने की थी इस दवा की मांग। पहले दंगों में अपना भाई खोया, फिर दुकान, और अब ये लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के अब तक कुल 4,421 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 3,981 लोगों का इलाज जारी है और 325 लोग ठीक हो गए हैं। 114 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी ANI ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अपने बयान के बाद इन आंकड़ों की जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 354 मामले बढ़े हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हार्ट, लिवर, कैंसर, डायबिटीज से पीड़ित लोगों और 50 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों को अस्पताल में रखा जाएगा। 50 वर्ष से कम आयु के और कम लक्षण वाले रोगियों को सभी चिकित्सा सुविधाओं के साथ होटल और धर्मशालाओं में रखा जाएगा। गंभीर मरीजों के लिए 8,000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि केजरीवाल सरकार ने 1,00,000 रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर दिया है, जो शुक्रवार को आ जाएगी। हम सबसे पहले निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन में इनका उपयोग करेंगे। 27,000 PPE किट दिल्ली में आ चुकी है और मुझे लगता है कि हमें यह आज शाम तक मिल जाएगी। मैं केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार राज्य में अब तक कुल 308 मामले सामने आए हैं। राज्य में 10 टेस्टिंग लैब हैं। यूरी कोविड केयर फंड का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अधिक से अधिक परीक्षण सुविधाएं और कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। भोपाल में कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए हैं। इनमें स्वास्थ्य विभाग के 5 व्यक्ति और 7 पुलिसकर्मी और उनके संपर्क में आने वाले लोग शामिल हैं। अब तक भोपाल में कुल 74 मामले सामने आए हैं। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने इसकी जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक नया कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया है। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 304 हो गई है। ठीक होने के बाद 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश के नोडल अधिकारी अरुण श्रीकांत ने इसकी जानकारी दी है। भारत ने आखिरकार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर मुहर लगा दी है। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि कुछ देशों में इस दवा का निर्यात किया जाएगा। हालांकि देश की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अन्य देशों में कितने केस हैं। भारत का बयान अमेरिका की तथाकथित चेतावनी के 6 घंटे बाद आया। भारतीय समय अनुसार तड़के 4 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर भारत उनके व्यक्तिगत आग्रह के बावजूद दवा नहीं भेजता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर प्रबीर पुरकायस्था। आज की खबर से साफ जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमरीकी जो संयुक्त राष्ट्र जो है, वो किसी देश को अपना दुश्मन या दोस्त में कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आज साफ धमकी दी हिंदुस्तान को कि अगर आप दवाई हमें नहीं भेजते तो हम अपने आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। और वो क्या थ्रेट था, क्या था, वो तो अलग बात है। पर अभी भारत सरकार जो अभी ही बहुत हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ऊपर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था विदेश उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो अमेरिका के इस रिक्वेस्ट कहिए, धमकी कहिए, इससे अब जो है कहा है कि नहीं, हम आपको दवाई भेजेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको भेजेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र इस वक्त किसी भी देश का पुरानी संबंध क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखता। उनका साफ संबंध इससे है कि निजी स्वार्थ अमेरिका का अगर है तो सब देश उसके पीछे, उसके सामने पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने जो अपने नेटो एलाइज है उनकी जो वेंटिलेटर से लेकर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दवाई, कोई भी चीज हो, जब अमेरिका का जरूरत पड़ा तो उनसे छीन कर अपने देश ले गए, टेस्टिंग किट्स ले गए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस अभी सामने है जो कि अमेरिका इस वक्त अपने स्वार्थ के लिए कोई दुनिया की एक, क्या कहें, एक संघबद्ध तरीके से एक इसके खिलाफ, इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई करने की जगह पर सिर्फ अपना निजी स्वार्थ, अपना देश के स्वार्थ देख रहा है। और सबका स्वार्थ, सबका जो
जिसके स्टेक्स है, जो जरूरत है, उसको नजरअंदाज कर रहा है। इससे G20 के बारे में हमने बहुत पहले टिप्पणी की थी जब उनकी G20 की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, कि दुनिया को इस वक्त चाहिए एक सशक्त लीडरशिप। सब जो उन्नत देश है, जो इकोनॉमिकली मजबूत देश है, उनको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और भारतवर्ष, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो कि उदीयमान देश माने जाते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है सबके साथ मिलके दुनिया को एक लीडरशिप दे। G20 ने इसको नहीं दिया था और अब साफ है कि हर देश अपना स्वार्थ के लिए अब जो भी करना है वो कर रहा है। हिंदुस्तान के सामने, भारतवर्ष के सामने भी ये चुनौती है, क्योंकि हम बहुत सारे गरीब देशों को हम दवाई देते हैं जो उन्नतशील देश नहीं है, छोटे मुल्क हैं, उनके पास दवाई बनाने की इतनी सुविधा नहीं है, उनको हम बहुत सारे ऐसे दवाई भेजते हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम क्या करें? अगर पूरे देश की एक्सपोर्ट पे हम बैन लगा देते हैं तो उनके लिए हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये सब सोचते हुए इन सब चीज़ों पर एक सामूहिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनिशिएटिव होनी चाहिए। चीन, जिसे कहते हैं बल्क ड्रग्स, या जिसपे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो APIs, उसका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। भारतवर्ष उनको फॉर्मुलेशंस की तरफ, उनको टैबलेट फॉर्म में, दवाई बनाने के फॉर्म में, वो बहुत बड़ा एक दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये दोनों देश मिलके दुनिया के जो ऐसे देश है जिनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है दवाई बनाने की, उसको कैसे सप्लाई करेगी, खास तौर से हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाई जो शायद इस पैंडेमिक में काफी यूजफुल हो सकता है, उसके लिए प्रबंध बनाना चाहिए। साफ है दुनिया की ये जो लीडरशिप अमेरिका या ऐसे देशों को देना था, इस वक्त तो देने की ना तो स्थिति में है, बल्कि उसके उल्टा चल रहे हैं कि वो अपना हित सिर्फ देख रहे हैं और किसी का हित नहीं देख रहे। तो मेरे हिसाब में हमें ये सोचना चाहिए, क्या जैसे दूसरे देश है उनके साथ मिलके भारतवर्ष, खासतौर से चीन के साथ मिलके, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्ट किट्स इनकी काफी है, मिलके हंस पे कोई लीडरशिप क्या ले सकता है? ये हमारे सामने चुनौती है। अमेरिका के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। ट्रंप ने एकदम हमको सरासर बता ही दिया इस धमकी के साथ। चांदबाग में रहने वाले मोहम्मद अशफाक ने न्यूज क्लिक से बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने दिल्ली दंगों में अपने छोटे भाई सिकंदर खान को खो दिया, उनके कपड़ों का कारोबार लूट लिया गया और अब परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। इस सब के बाद कोरोना वायरस के खतरे के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने इनकी मुसीबतें और बढ़ा दी। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हमें छोटे भाई का ही 25 दिन के बाद पता लगा था वो मर गया। किसी ने हमने पूछा, वो तो 8-10 दिन में घर आ जाया करता था, सिकंदर नाम था उसका, कंडक्टरी करता था, खजूरी में रहता था। यहाँ तो हमने फोन करा उसके स्टाफ के पास भी, कहले हमारा भाई कहाँ, भाई नहीं आया हमारा, कहले भाई इसको तो मार दिया। फिर हम था खजूरी थाने गए SHO साहब के पास, वो कह लगे भी हमने 21-27 में एक बॉडी जमा करी है, इसकी पहचान कर लो। अगर फिर हम गए गुरु टेक बहादुर में, लाश जहाँ रखी रहती है, हम वहाँ लाश देखते हैं, हमारे भाई हम पहचान गए। क्या हुआ, मैं तो जी 3 बजे तक अपनी दुकान पर था, दुकान पर बंद था, मैं तो सोच रहा छोटी मोटी घटना होगी, अभी बंद हो जाएगी, दिल्ली में झगड़े वगड़े कहाँ होते हैं। मैंने कहा चलो अभी रुक के चला जाऊंगा जब शांत हो जाएगा। जब देखा मैंने भाई 3:30 बज गए, तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगे भाई आप यहाँ से निकल जाइए, कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो जा भाई। मैं तो दुकान बंद करके ऊपर सपने आ गया, सामने कर लिया, मैं उसके अपने जैसे भी घर पे आ गया। अब यहाँ मॉल ज़्यादा ख़राब हो गया, तो दुकान हमारी 6-7 के बीच में हमारी दुकान लूट ली गई।
बाकी दुकान लूट गई, मेरा बहन का घर लूट गया, मेरे भाई भी मर गया। बाकी हमें अभी किसी से कोई सार मदद नहीं मिली, हमें किसी से कहीं से भी कोई, हम इतने मजबूर हैं, हम समझ लो जहाँ थे वहीं आगे सड़क पे। पुलिस ने तो क्या बताया आपको, पुलिस ने तो बताया उसमें दंगा लूट के अलावा उसमें चोरी ली थी। चोरी का क्या मतलब, चोरी थोड़ी ना होती है, वो तो दंगा ही लूट ही है, लूट की जगह भी चोरी लिख रखा है। लेकिन हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि हम तो थे नहीं वहाँ। अब ये जो है दंगाइयों ने लूटी है, एक सरेआम लूटी है, पिक्चर में हमने देखी, पिक्चर में पुलिस वाले भी बैठे हुए देख रहे, देख के भी आते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है, उसमें पिक्चर है। अब हम गए पिक्चर घूमने के बाद उसकी जो है वो कैंडी लाइट क्या बोलते हैं खत्म हो गई, 15 दिन के बाद खत्म हो जाती गई है। एक तो हम इस दंगे में बर्बाद हुआ, अभी लॉकडाउन जो हुआ है और इसमें जो और ज्यादा परेशानी हो गई। पहले तो उम्मीद ये थी कि भी चलो गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल जाएगा, हमने कानूनी कार्रवाई सारी कर दी है, लेकिन अब ये लॉकडाउन हुआ तो वहां से भी कुछ सहायता नहीं हो रही, तो हमें जो है बहुत किल्लत में, बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, खाने तक की परेशानी पड़ी हुई है इस टाइम। केजरीवाल सरकार से अभी तक कुछ नहीं, बस केजरीवाल उनके ही सहारे बैठे। अब तो अगर इन्होंने हमारी मदद कर दी तो दुकान हमारी खुल जाएगी, बाकी हमें ताकत नहीं रहेगी कि हम दुकान खोल लें। सरकार पे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमें दे में कुछ तो थोड़ा सा हमारा जो सुधार होगा, कुछ तो स्टार्टिंग तो हम करें, उसी के पैसे से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है, नहीं हम तो समझ लो खत्म। जो गवर्नमेंट हमें दे देगी पैसा तो हम दुकान खोल लेंगे, नहीं बाकी हमारे पास नहीं है इतनी ताकत जो हम उसको दुकान को स्टार्ट कर सके। अब जो पैसा आता है वो बाहर जाता है थोड़ा, और जो पैसा आता है तो सब दुकान में ही माल होते हैं, हम पे हमने बैलेंस नहीं है इन पे कुछ भी, इसलिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हम सोच रहे थे चलो ये बाहर के भी उधार निपटा दें चले, और दुकान में सीजन का टाइम है, सब माल इसमें पैसा बताया, हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए परेशानी होती। नहीं आदमी कहेगा इतना बड़ा चोर होता है इन पे, ऐसा तो होना चाहिए, पैसे की वजह ये है कि जो हम पे पैसा नहीं है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।